वेलकम बैक इन योर ऑनलाइन इंग्लिश क्लास। आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 4 से रिलेटेड बुक वर्क कंप्लीट करेंगे। ओके, इन माय प्रीवियस क्लास आई डिस्कस्ड अबाउट दिस स्टोरी। दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। सभी बच्चों ने रीड की है स्टोरी को? ओके बेटा, सभी बच्चों ने स्टोरी को 2 times रीड करना है। आज की क्लास में हम इसी चैप्टर से रिलेटेड बुक वर्क करेंगे। बेटा पार्ट ए एंड बी क्वेश्चन आंसर हैं जो मैम आपको नोटबुक में डिस्कस करेंगे। टुडे वी विल डू पार्ट नंबर सी। आज हम पार्ट सी करेंगे। ओके बेटा, नंबर दीज सेंटेंसेस इन द करेक्ट ऑर्डर टू सम अप द स्टोरी। बेटा स्टोरी में सेंटेंसेस दिए गए हैं जिनको हमें करेक्ट ऑर्डर में लगाना है। ओके सबसे पहले स्टोरी में क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ, स्टेप बाय स्टेप स्टोरी को हमने आगे बढ़ाना है। तो लेट्स स्टार्ट। पार्थो वाज अ पार्क कीपर। 1 सेकंड सेंटेंस, फिर क्या हुआ स्टोरी में, ही वर्कड विद अ टीम ऑफ 5 people। द पार्क वाज क्लोज्ड वंस अ ईयर फॉर क्लीनिंग। 3rd number, एंड दिस ईयर द पार्क वॉज क्लोज्ड फॉर 2 days ऑफ क्लीनिंग। सेंटेंस नंबर 4, एंड देन वट हैपन देन, ड्यूरिंग दिस टाइम पार्थो एंड हिज टीम पुट द लीटर इन बीन्स। सेंटेंस नंबर 5, एंड वट हैपन देन इन द स्टोरी, दे ऑल्सो ट्रीम्ड द ग्रास एंड पेंटेड द बेंचेज। वी विल राइट हेयर पॉइंट नंबर 6, एंड कम टू नेक्स्ट, बट दे फॉरगॉट टू पुट अप वेट पेंट नोटिस ऑन द बेंचेज। वी विल राइट हेयर सेंटेंस नंबर 7, एंड द एंड ऑफ द स्टोरी, लास्ट पॉइंट इज हेयर, सो व्हेन दे सेट ऑन द बेंचेज देयर क्लॉथ्स हैड पेंट on them. It is the last sentence. We will write here 8. So in this way you have to mark numbers. आपने story में क्या हुआ, किसके बाद क्या हुआ, उसको correct order में sentences को लगाते हुए हमें numbers को sequence में बनाना है। समझ आया सब बच्चों को बेटा story? Story read करने से आपको sentences का पता चल जाएगा पहले हमें क्या हुआ था। देखो बेटा, अब हम इस लाइन को सबसे पहले नहीं लिख सकते, वेट पेंट नोटिस ऑन द बेंचेस। ओके बट दे, क्योंकि वो अंत में भूले थे ना, स्टोरी के एंड में भूल गए थे। वी विल राइट हेयर 7। नाउ कम टू नेक्स्ट टॉपिक। बेटा इस चैप्टर में आपको यूज़ ऑफ ए एंड द दिया गया है। ये ग्रामर पोर्शन है जो हम इस बुक वर्क के थ्रू करेंगे। देखो हमारे पास वोवल्स कौन से होते हैं बेटा, ए ई आई ओ यू। हाउ मैनी वोवल्स यू हैव, 5 vowels। जो 5 vowels होते हैं उनके सामने हम जो वर्ड सेंटेंस स्टार्ट होते हैं हम क्या यूज़ करते हैं, ए एंड द। तो देखो द होता है किसी पर्टिकुलर प्लेस के लिए, नाम के लिए हम द यूज़ करते हैं। लेट्स स्टार्ट रीडिंग, रीड दीज सेंटेंसेस। ये ग्रामर पोर्शन है, आप बेटा इनके थ्रू सेंटेंसेस बना सकते हो। पार्थो इज अ पार्क कीपर। राखी इज एन आर्टिस्ट। पार्थो वर्क्स एट अ पार्क, ही कीप्स द पार्क क्लीन। जो सेंटेंसेस में रेड कलर में लिखे गए हैं वर्ड बेटा, दीज आर आर्टिकल्स, इनको आर्टिकल्स बोलते हैं, ए एंड द। अब हम सीखेंगे बेटा चैप्टर में यूज ऑफ ए एंड द। हम ए का यूज तब करते हैं बेटा जब कोई भी वर्ड की जो साउंड होती है वो कॉन्सोनेंट होती है, और एन यूज़ करते हैं वोवल साउंड। वोवल आपको पता है, आपने केजी क्लास में, फर्स्ट क्लास में आप करके आए हो बेटा, ए ई आई ओ यू से जो स्टार्ट होते हैं जिनकी साउंड आती है उससे पहले हम क्या यूज़ करते हैं बच्चों, एन। लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज। अब हम एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज के थ्रू आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सर्कल द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट ईच सेंटेंसेस। ऑलरेडी यहाँ पर दिए गए हैं बेटा आपको आर्टिकल ए या एन, द आपको चूज करना है सेंटेंस के अकॉर्डिंग। फर्स्ट सेंटेंस इज गिवन हेयर, लीला हैज ए और एन ऑरेंज। वी विल सर्कल एन बिकॉज ऑरेंज, हमें साउंड किसकी आ रही है बच्चों,
यस बेटा वोवल साउंड, हम सर्कल बनाएंगे एन ऑरेंज. ओके नाउ नेक्स्ट, शी शेयर्स द ऑरेंज विद हर ब्रदर, सर्कल ऑन द. कम टू नेक्स्ट पॉइंट, आई एम रीडिंग ए एन कॉमिक बुक, अ कॉमिक बुक. देखो को सी क्या है बेटा, कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है कॉमिक. आपको बोल कर देखना है, साउंड को पहचान करनी है कि वोवल साउंड है या कॉन्सोनेंट साउंड है. इज इट क्लियर, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. ए और एन कॉमिक बुक इज कॉल्ड तेनाली रामा, वी विल सर्कल ऑन द, द कॉमिक बुक. ओके नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट, मदर बेक्स अ केक फॉर माय बर्थडे पार्टी, मेक अ सर्कल ऑन ए. द केक हैज माय नेम ऑन इट, वी विल सर्कल ऑन द. ओके नाउ कम टू पेज नंबर 28, वी विल कंटिन्यू दिस टॉपिक. करण एंड राजा आर इन द जू, सर्कल ऑन द. दे सी एन ऑस्ट्रिच हेयर, बेटा ऑस्ट्रिच, ओ ऑस्ट्रिच, देखो साउंड किसकी आ रही है हमें बेटा, ओ वोवल साउंड. माय फ्रेंड हैज अ पेट डॉग, मेक अ सर्कल ऑन अ. द कैट लव्स प्लेइंग विद यार्न, द सर्कल ऑन द. द का यूज कब करते हैं बेटा, पर्टिकुलर के लिए, कि द कैट, उसी वाली कैट को, द जू. अब हमने और कहां पर यूज किया बेटा, द कॉमिक बुक, द केक. ओके ऐसे वाक्य में हम द यूज करेंगे, द को जब कोई पर्टिकुलर चीज होती है उसके लिए हम द यूज करते हैं. कंप्लीट दिस सेंटेंसेज विद ए एंड द, बेटा बी पार्ट भी कंप्लीट करेंगे हम. वन सेंटेंस इज गिवन हेयर, फर्स्ट सेंटेंस इज गिवन हेयर, ही इज एन आर्टिस्ट एंड शी इज अ डॉक्टर. आई ड्रिंक अ ग्लास ऑफ मिल्क एंड ईट एन एग फॉर ब्रेकफास्ट. दिया हैज अ रेन कोट. हर ब्रदर राजू यूजेज एन अम्ब्रेला. When it rains, there is a small school in our village. We live near the school. We watched a film called Cinderella. We enjoyed the film very much. Okay, बेटा आपने यहाँ पर देखो, rain, small, glass, film, ये सब क्या है बच्चे, कॉन्सोनेंट. देखो ये ए ई आई ओ यू नहीं है, हमने क्या यूज किया यहाँ पर, ए और एन कहाँ पर यूज हुआ बेटा, एग, अम्ब्रेला. ये क्या है बेटा, ई और यू, यू नहीं देखना आपने, साउंड को पहचानना है. अम्ब्रेला, अ की साउंड आती है, एग, ए ई आई ओ यू, वोवल से जो स्टार्ट होते हैं वहां पर हम एन यूज करते हैं. इज इट क्लियर टू यू माई डियर. नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में मैम आपको इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और जो आपका रेस्ट ऑफ द बुक वर्क विल कंप्लीट यू. ओके आपका जो पेंडिंग रह गया है वो आपके नेक्स्ट क्लास में डिस्कस होगा. अभी आपने पार्ट सी, पार्ट ए, ए और एन का प्रैक्टिस करनी है प्रॉपर. बुक वर्क में नीट एंड क्लीन फील करके रजनी मैम को फोटो सेंड करोगे. दिस इज योर होमवर्क. आपने स्टोरी को प्रॉपर ध्यान से रीड करना है. Thank you. Have a nice day.